केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। 12 फुट लंबी और 35 टन वजन है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का। आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ मंदिर का कराया था जीर्णोद्धार। शंकर का संस्कृत में अर्थ है शम करुति सह शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस व्याकरण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जन साधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। शंकर के भीतर साक्षात संकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता। आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर पीएम ने कुछ पल बिताने के बाद कहा कि ये दिव्य अनुभूति का पल था। पीएम ने अपने संबोधन में अयोध्या में राम मंदिर और दीपोत्सव का जिक्र किया। कहा, आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील, ऐतिहासिक स्थानों के साथ साथ पवित्र स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाएं और नई पीढ़ी को उसके बारे में बताएं। ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, माँ भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना का अनुभूति करें। पीएम ने वाराणसी में विकास कार्यों का जिक्र किया। कहा, आज काशी का भी कायाकल्प हो रहा है, तेजी से हो रहा विश्वनाथ धाम का कार्य। क्या सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। आदि शंकराचार्य की रचनाओं के बारे में पीएम ने कहा, उनकी रचनाओं में नीति नीति कहकर भाव विश्व का विस्तार दिया गया। जब भी देखो नीति नीति, एक ऐसा भाव विश्व नीति नीति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया। पीएम बोले कि आदि शंकराचार्य ने पवित्र मठों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य सब कुछ त्याग कर देश समाज और मानवता के लिए जीने वालों के लिए एक सशक्त परंपरा खड़ी की। प्रधानमंत्री बोले, केदारनाथ में विकास कार्य ईश्वर की कृपा से हुआ। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। पीएम ने कहा कि कहा जाता है कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आता नहीं। अब पानी भी पहाड़ के काम आएगा, जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि चार धाम यात्रा में आने वाले भक्तों की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब भारत राग द्वेष में फंसकर अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब शंकराचार्य जी ने कहा था कि राग द्वेष ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। लोभ मोह ईर्ष्या अहम ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। रामचरितमानस में लिखी पंक्ति के बारे में पीएम ने समझाते हुए कहा कि कुछ अनुभव इतने अलौकिक होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि समय के दायरे में बंद कर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं है। एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंद कर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। पीएम ने केदारनाथ में आई तबाही के बारे में कहा कि गुजरात के सीएम के तौर पर मैंने केदारनाथ में आई तबाही को अपनी आंखों से देखा था, उस दर्द को देखा था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। पीएम ने बताया शंकराचार्य जी की समाधि और ज्यादा भव्य रूप के साथ हमारे बीच है। सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है। और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। उत्तराखंड के विकास योजनाओं के बारे में पीएम ने बताया, चार धाम सड़क परियोजना पर तेजी से हो रहा है काम, चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहाँ केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पीएम ने कहा कि अब केदारनाथ धाम में आने वाले लोगों का तीर्थाटन कष्ट से मुक्त होगा, सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं की सेवा का जरिया बनेंगी। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो। केदारनाथ के दौरे पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने केदार मंदिर की परिक्रमा भी की। गर्भगृह में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार पर जलाभिषेक किया, बाबा की आरती उतारी, फिर सामने बैठे नंदी की पूजा अर्चना भी की। केदारनाथ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का सीएम और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक स्वरूप और शॉल भेंट किया। पीएम के केदारनाथ दौरे को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने बनाई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना। 87 मंदिरों पर लगी एलईडी स्क्रीन से पीएम के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी मौजूद, सीएम ने पीएम के केदारनाथ दर्शन का कार्यक्रम देखा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लाइव प्रसारण के इंतजाम। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रंगस्वर मंदिर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दर्शन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। आज है गोवर्धन पूजा। इस दिन श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था उसकी पूजा की जाती है। पटाखों के चलते प्रदूषित हुई लखनऊ की हवा, रात के वक्त सड़कों पर नजर आया स्मॉग। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खराब, पटाखों से बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई का लेवल बेहद खराब के स्तर पर। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा हादसा, घने कोहरे और स्मॉग की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में भिड़े, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हादसे में घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में रंगोली बनाते वक्त छज्जा गिरने से चार लोग घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, हादसे में युवक की मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। मझोला थाना इलाके के काशीराम बी ब्लॉक की घटना।
झांसी में पटाखा बाजार में आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। झांसी से करीब 70 किलोमीटर दूर ब्लॉक गुड़सराय का बहुत बड़ा बाजार है। फतेहपुर में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में आग लगने से बाजार में मची अफरा तफरी। अवैध रूप से बेचा जा रहा था पटाखा। आग लगने से लाखों का नुकसान। ललौली थाना क्षेत्र के भौआ कस्बे की घटना। लखनऊ के तेलीबाग बाजार में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार बाल बाल बचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बड़कोट में पटाखे के स्काई शॉट से लगी आग। आग लगने से गौशाला जलकर नष्ट हुई। जनहानि और पशु हानि की कोई सूचना नहीं। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली इलाके में पटाखा बाजार में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मूक दर्शक बनी पुलिस के सामने युवक को पीटते रहे दबंग। युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। अमरोहा में राशन डीलर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राशन कम तौलने की शिकायत करने पर राशन डीलर ने ग्रामीण को पीटा। सुल्तानपुर के करौंदी कला थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में युवती पर तेजाब से हमला। घर के बाहर लेटी युवती के ऊपर युवक एसिड फेंक कर हुआ फरार। इटावा में महिला ने इंस्पेक्टर पर होटल में ले जाकर रेप का लगाया आरोप। कहा दहेज के लिए मुकदमा लिखने के नाम पर होटल में ले जाकर किया रेप। कुलपहाड़ थाने में तैनात है आरोपी इंस्पेक्टर। महोबा में झाड़फूंक के शक में सिरफिरे शख्स ने पिता के सामने ही उसके 5 साल के बेटे की हत्या कर दी। 2.5 साल की बच्ची को भी पटक पटक कर किया घायल। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा बच्ची का इलाज। उन्नाव पुलिस ने मासूम के हत्यारों को किया गिरफ्तार। हत्यारे ने अपने बेटे के साथ मिलकर मासूम से दरिंदगी के बाद की थी हत्या। बाग में छिपाया था शव। आरोपी पर दर्ज हैं कई आपराधिक मुकदमे। रामनगर के मालधन क्षेत्र में अधेड़ की हत्या से सनसनी। घर से 30 मीटर दूर खेत में मिला शव। धारदार हथियार से गला काट कर की गई हत्या। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते हत्या की आशंका। मथुरा में 2 दिन के अंदर 2 मासूम बच्चों सहित 1 युवक और 1 महिला की हत्या। बाकलपुर के जंगल में मिला महिला का शव। महिला के शरीर में मिले गोली के निशान। मौके पर स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। खटीमा में प्रदेश के सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वॉल पेंटिंग कर भाजपा का प्रचार किया। इस अभियान के तहत खटीमा दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विधानसभा के नगर तरई स्थित बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत वॉल पेंटिंग कर इस अभियान की शुरुआत की। पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई कमी को कांग्रेस ने चुनावी स्टंट करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ठीक चुनाव के समय पर कीमत को कम करने की याद आई। अल्मोड़ा दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन बिष्ट ने कहा, राज्य में नेताओं को लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ रही है, तभी कांग्रेस में नेताओं के आने की होड़ सी लग गई है। यमुनोत्री को जिला बनाने की मांग को लेकर बड़कोट में संघर्ष समिति और क्षेत्रीय लोगों की भूख हड़ताल जारी। पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे 2 लोग की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हापुड़ में बच्चों के पटाखे जलाने के मामूली विवाद में एक ही समुदाय के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने जमकर किया पथराव और फायरिंग। 1 युवक को लगी गोली। आजमगढ़ में जवान को दी गई अंतिम विदाई। सेना के सूबेदार के नेतृत्व में दी सलामी। चीन बॉर्डर पर हालत हुई थी गंभीर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी का 75 साल की उम्र में हुआ निधन। गुरुवार रात करीब 9:22 पर हुआ निधन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुब्रत मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। गुजरात के वलसाड जिले के वापी में देर रात एक पेपर मिल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 6 घंटे बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। आग से किसी के मरने या घायल होने की कोई जानकारी नहीं।
IRCTC के सिर्फ 11,000 के पैकेज पर कर सकेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी समेत कई तीर्थ स्थलों की यात्रा। उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए IRCTC 25 नवंबर से एक आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेन 25 नवंबर को बिहार के रक्सौल जंक्शन से रवाना होगी। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के हाथों हार झेलने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, जिसके बाद ड्वेन ब्रावो ने संन्यास लेने की पुष्टि की।